तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करना है, जो कि कॉपीराइट कभी भी आपके वीडियो पे नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने YouTube पे वीडियो डाल दिया और सोचते हो कि मैं उसके अंदर में जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊं, तो वो भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और तीसरा, जो सभी YouTube क्रिएटर बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और जो मैं पर्सनल बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो एक चीज़ होता है कि बहुत ही सारे देखे होंगे वीडियो अमित बंद्रा के कॉमेडी वीडियो, ठीक है, उसमें जो साउंड जो इफेक्ट होता है हंसी मजाक का और फाइटिंग का और रोने धोने की आवाज़ सब जो होती है, बहुत ही प्रकार का आवाज़ ऐसा होता है जिसको साउंड इफेक्ट बोला जाता है। उसके बारे में भी आज मैं इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो इसमें जो अगर आप वीडियो को अपलोड कर देते हो तो उस वीडियो पे जो है कैसे आपको जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ठीक है। और दूसरा, मैं आपको आगे और भी कुछ बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे जो है सभी YouTube क्रिएटर अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, और पर्सनल मैं कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूँ वो भी चीज़ बताऊँगा। और तीसरा, साउंड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आपको जो है हंसी मजाक का जो साउंड होता है उसके बारे में बताऊंगा, जो एक्शन जो होता है फाइटिंग का, लात घुसेगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूं कि YouTube पे जो वीडियो अपलोड कर देते हो तो उसमें जो है कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम करेंगे क्या कि यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने चैनल के आइकॉन पर यहाँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे YouTube स्टूडियो पे। तो YouTube स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ कंटेंट पे क्लिक करना है, ठीक। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल से YouTube को यूज करते हो, YouTube को चलाते हो, तो आपको जो है डिस्कटॉप साइड में ओपन करना है, ठीक है। अगर आपको मोबाइल के अंदर में डिस्कटॉप साइड ओपन नहीं करने आता है तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो को देख के आप जो है मोबाइल में भी डिस्कटॉप साइड चला सकते हो। मगर इस वीडियो को पहले देखो, क्योंकि ऐसा वीडियो जो है आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करना क्या है कि कंटेंट पे क्लिक कर देना है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी आपका वीडियो होगा और उस पे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपने नहीं लगा रखा है तो उसमें जो है अगर आप लगाना चाहते हो तो उस पे आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो में हमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मान के चलो इस वीडियो पे हमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, तो इस पेंसिल का आइकॉन पे हमें क्लिक कर देना होगा। क्लिक होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पेज ओपन होके आ चुका है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा, जो कि आपको खुद से जो है बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको जो है इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड कर देते हो तो उसमें कैसे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पे एडिटर पे क्लिक। एडिटर पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा कि देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्ट, तो इस पे हमें क्लिक कर देना होगा। क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि ये जो म्यूजिक का आइकॉन है आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है तीर का आइकॉन बन के आ गया ऑडियो का, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक। तो ये पेज जो है हमारे सामने ओपन होके आ गया। अब जो है हमें करना क्या है कि इसमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ठीक है। तो नीचे में आप जो देख रहे हो बहुत ही सारा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लिक करके और जो है लगा सकते हो। यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, इस पर क्लिक करके, ठीक है, प्ले ट्रैक पे
और उसके बाद जो है यहाँ पे ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ से जो है म्यूजिक को लगा सकते हो। बाकी जो है मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक इस वीडियो के अंदर में लगा हुआ है तो मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो तरीका है यही तरीका है, अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड कर देते हो तो उसके अंदर में जो है इसी तरीके से जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है, और ये जो है YouTube खुद बताता है कि इस तरीके से जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला तरीका ये था बैकग्राउंड जो है म्यूजिक लगाने का YouTube वीडियो में। बाकी जो है अब आपको बता देता हूँ कि सभी जो है YouTube क्रिएटर करते क्या हैं अपने अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है आपको अपना YouTube चैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन होने के बाद जो है यहाँ सर्च में आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि लिखना है NCS, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद जो है सर्च करना है, और यहाँ पे जो है सर्च के आइकॉन पे जो है क्लिक कर देंगे हम, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो टाइटल है नो कॉपीराइट साउंड, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी YouTube क्रिएटर है वो सभी के सभी जो है यहीं से जो है बैकग्राउंड म्यूजिक जो है लेते हैं और डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी आपको साउंड अच्छा लगे उस साउंड को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, NCS सर्च करके। तो कैसे जो है डाउनलोड करना है यहाँ पे, वो जो है आपको मोबाइल में डाउनलोड होगा, ठीक है। तो मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये चीज़ के लिए जो है एक अलग से वीडियो बना के बताया जाता है, लेकिन इसके लिए जो है मैं पहले से वीडियो बना दिया हूँ, तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मोबाइल से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, बाकी जो है लैपटॉप से जो है YouTube का वीडियो डाउनलोड किया जाता है, लेकिन अभी तक मैंने जो है लैपटॉप से YouTube का वीडियो डाउनलोड करके नहीं देखा है, लेकिन मोबाइल में डाउनलोड करके देखा है। तो मोबाइल से कर सकते हो, तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि YouTube का वीडियो जो है कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। तो यहीं से जो है सभी YouTube क्रिएटर जो है अपने अपने वीडियो के अंदर में जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं डाउनलोड करके। बाकी यहाँ पे जो है आप आके सुन सकते हो, ठीक है। तो सुनने का टाइम तो है नहीं, तो मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि इसमें जो है मैं पर्सनल कैसे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता हूँ मैं अपने वीडियो में। तो इसके लिए जो है आपको करना क्या होगा कि आपको जो है इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हो सर्च बार में इंट्रीमेंटल फैक्स, ठीक है, तो आप सर्च करके आ सकते हो। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। तो आसानी रहेगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है लिंक पे क्लिक करके आप जो है इस वेबसाइट पे आ जाना, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं इस वेबसाइट पे जो है आपको डाउनलोड करके बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप लैपटॉप से यूज करते हो तो यहाँ पे क्लिक करके जो है कट कर देना, और उसके बाद जो है ये बोतल का जो आइकॉन आ रहा है इसको भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है बोतल को भी हटा देते हैं क्योंकि ये जो है ऐड है। तो यहाँ पे जो है हम YouTube के लिए जो है बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए हमें करना क्या होगा कि नीचे की ओर आना होगा, ठीक है। नीचे की ओर आने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिख जाता है YouTube बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये जो है YouTube बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो कि आपको बहुत ही सारा म्यूजिक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको एक म्यूजिक डाउनलोड करके मैं आपको बताऊँगा, बाकी यहाँ पर जो है ऐड आ रहा है तो इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि ये जो वेबसाइट जो है ना, देखो खास करके YouTube क्रिएटर के लिए ही बनाया गया है, और इस वेबसाइट से अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करते हो तो वो जो है कॉपीराइट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हर प्रकार का जो है बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत ही प्रकार का म्यूजिक मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि बेस्ट इंट्रो के लिए भी जो है म्यूजिक मिल जाता है, और यहाँ पे जो है और भी म्यूजिक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इस वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद जो है हम करेंगे क्या
कि यहाँ जो है नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे जो है बहुत ही सारा म्यूजिक दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा कितना, 10 ही म्यूजिक दिखेगा, क्योंकि जिस पे हमने क्लिक किया है उस पे जो है 10 म्यूजिक ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो 10 म्यूजिक यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है आप क्लिक करके देख सकते हो। तो ये वाला म्यूजिक जो है ना यार, मुझे बहुत ही पसंद आता है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको सुनाया बजा के। क्योंकि ये म्यूजिक जो है ना, जब मैं YouTube को स्टार्ट किया था तब मैं ये म्यूजिक जो है अपने वीडियो में लगाता था और बहुत ही सारे वीडियो में जो है मैंने लगाया, कभी भी आज तक जो है कॉपीराइट नहीं आया, जो मैं आपको अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इस बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में लगा सकते हो और ये जो है बहुत ही रिलैक्स म्यूजिक है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा है, यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है और इधर की साइड जो है आपने देखा कि डाउनलोड ये वाला हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है डाउनलोड किया जाता है, बाकी अगर आप मोबाइल से करते हो तो आप मोबाइल से भी बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए, मैंने आपको इसके लिए बता दिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा दो चीज़, ठीक है। पहला जो है कि आपको खुद से जो है बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बनाना है और दूसरा साउंड इफेक्ट होता क्या है। जैसे कि आप देखते हो कॉमेडी वीडियो में, एक्शन वीडियो में जो होता है लात घूसे की आवाज़, ठीक है, हंसी मजाक की आवाज़, तो उसे जो है बोला जाता है साउंड इफेक्ट, ठीक है। बाकी जो है आपको खुद से जो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना है, तो अगर मैं इस वीडियो के अंदर में बताने लगूंगा तो ये वीडियो हो जाएगी लंबी। तो मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड जो है म्यूजिक बनाना आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस आपको करना क्या होगा कि वो जो है वीडियो में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो वीडियो जो है अलग से है, तो उस वीडियो का लिंक भी जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना कुछ मैं आपको बताने लगूंगा तो ये वीडियो हो जाएगी घंटे भर की, तो घंटे भर तक कोई भी बैठ के जो है लोग नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। अब दूसरा जो है आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखो, साउंड इफेक्ट जो होता है ना, उसके लिए जो है मैं अलग से एक वीडियो आगे मैं इस चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देख के आप जो है समझ सकते हो कि कॉमेडी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करना है और जो है एक्शन वीडियो के लिए जो है कैसे आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है। बाकी मैं सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जो है बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लेते हो तो उसको जो है लगाना कैसे है। तो अगर आपको जो है काइन मास्टर अगर यूज करना आता है तो काइन मास्टर से लगा सकते हो या पावर डायरेक्टर से लगा सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करना और मैं एक जो है वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि वीडियो एडिटिंग भी आपको सिखाऊंगा और दूसरा उस वीडियो के अंदर में कैसे जो है पावर डायरेक्टर से या काइन मास्टर से उस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है, वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, जो भी जानकारी था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।